दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि आखिर इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग कैसे होती है? देश के हर एक नौजवान का बस यही सपना होता है कि वो एक बार केवल इंडियन आर्मी की वर्दी पहनकर भारतीय सीमा पर तैनात हो जाए, क्योंकि दोस्तों इंडियन आर्मी की वर्दी पहनना अपने आप में ही एक गर्व की बात होती है। लेकिन दोस्तों, जब भी कोई नौजवान इंडियन आर्मी में जाने का सोचता है तो उसके मन में एक सवाल हमेशा रहता है कि आखिर इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग कैसे होती है, क्योंकि दोस्तों जितना टफ इंडियन आर्मी का एग्जाम नहीं होता उससे कई गुना ज्यादा तो टफ इसकी ट्रेनिंग होती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी भारतीय फौज की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग किस प्रकार होती है, कौन कौन सा टास्क पूरा करना होता है, इंडियन आर्मी के ट्रेनिंग में कितना और किस तरह का फिजिकल एक्सरसाइज कराया जाता है, एक दिन में इन्हें कितने किलोमीटर दौड़ाया जाता है और इन्हें कौन कौन सा हथियार चलाने का ट्रेनिंग दिया जाता है, दोस्तों अगर आप भी इन सब सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो बस आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपको इस वीडियो में इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग से जुड़ी पूरा ए टू जेड जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि अगर किसी जवान का भारतीय फौज में सिलेक्शन हो जाए तो उसे कितने समय तक ट्रेनिंग दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय फौज में किसी भी फौजी को शुरुआती ट्रेनिंग 6 से 8 महीनों तक दिया जाता है और ये ट्रेनिंग देश के कई अलग अलग जगहों पर होती है। जैसे कि कुछ प्रसिद्ध क्षेत्रों की बात करें तो अहमदनगर, नासिक, हैदराबाद, जबलपुर मध्य प्रदेश, बेंगलुरु, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, गोवा और महाराष्ट्र का नागपुर शामिल है। अब चलिए आपको ये बताते हैं कि इंडियन आर्मी के ट्रेनिंग में इन्हें कितना और किस तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है। तो दोस्तों, भारतीय फौजियों को सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक ट्रेनिंग दिया जाता है और ये ट्रेनिंग सप्ताहों के 7 दिन होता है, यानी इन्हें ट्रेनिंग के दौरान एक भी दिन छुट्टी नहीं दी जाती। ट्रेनिंग के कुछ फिजिकल एक्सरसाइज की बात करें तो सबसे पहले फौजियों को सुबह ग्राउंड में 8 से 10 किलोमीटर दौड़ लगवाया जाता है। इसके बाद इन्हें 200 से 300 पुशअप, 500 बार दंड, 100 सपाटे, 200 पुलअप्स, रॉक जंप, लॉन्ग जंप और रस्सा चढ़ना उतरना जैसे फिजिकल एक्सरसाइज करवाया जाता है। फिर इसके बाद फौजियों को लास्ट में ड्रिल ट्रेनिंग और वेपन ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसमें इन्हें AK-47 जैसे खतरनाक हथियार चलाना, AK-47 के मैगजीन में बुलेट लोड करना, हथियार से सटीक निशाना लगाना और ग्रेनेड बम चलाना सिखाया जाता है। इसके साथ ही इनको ये भी सिखाया जाता है कि किसी भी बम को डिफ्यूज या नष्ट कैसे किया जाता है। दोस्तों, एक बात और आपको बता दें कि हम आपको केवल इंडियन आर्मी के फौजियों को मिलने वाली बेसिक ट्रेनिंग के बारे में बता रहे हैं, बाकी इनके पोस्टिंग और कैटेगरी के हिसाब से इन्हें और भी कई तरह की ट्रेनिंग दिया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वैसे अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग कैसे होती है ये पूरा समझ गए होंगे। वैसे अगर आप भी एक इंडियन आर्मी लवर हैं तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।